2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड ने किराड़ी विधानसभा में एक जनसभा का आयोजन किया और इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार और जेडीयू सांसद रामप्रति मंडल और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बिहार में विकास की गति तेज हो रही है, उसी प्रकार केंद्र में नीतीश सरकार आने के बाद पूरे देश में तेजी से विकास होगा। मौजूद दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में जहां पे जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा विशाल जनसभा किया, जिसमें बिहार से सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी आए हुए हैं। सर, आज जो आपने बिहार से जनसभा किया हुआ है, इसमें क्या तो ये बिहार में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को जानकारी हम किराड़ी वासियों को देने के लिए आए हैं, ताकि 2024 में अच्छी सरकार बने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लाल किला पर झंडा फहराए। क्या लोकसभा में भी चुनाव में तैयारी जो आप जनसभा में दिल्ली में कर रहे हैं, क्या लोकसभा में क्या पूरी रणनीति के साथ आए हैं? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके इंडिया गठबंधन तय करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे लोकसभा का। क्या इस बार जो आपके प्रतिनिधि में, आप इस बार किसको इस किराड़ी विधानसभा से प्रतिनिधि में देख रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि प्रदेश का अध्यक्ष जो होता है वही सर्वोपरि होता है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, हमारा दिल्ली चाहे हम लोगों का, कि हमारे जो आदरणीय शैलेंद्र बाबू हैं वो यहाँ का कैंडिडेट बने। अगर लोकसभा चुनाव होगा नहीं तो 2025 में ये यहाँ से या बुराड़ी से चुनाव लड़ेंगे, भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, हम लोगों का आशीर्वाद है। आप जानते हैं कहीं से बिहार से 3 घंटे में आप पटना पहुँच जा रहे हैं, रोड की इतनी अच्छी स्थिति है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा किराड़ी वासियों को, सब मिल बैठ करके जिस तरह शैलेंद्र जी काम कर रहे हैं, सब बैठ करके उनके हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि हमारा नेता नीतीश कुमार का नाम अभी बिहार में देश में डंका बजता, पूरे विश्व में डंका बजेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार से सांसद जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है जनता दल यूनाइटेड से भारी मतों से जीत होगी। तमाम खबरें साथ बने रहे, विजय चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड ने विशाल जनसभा किया है, जिसमें बिहार से सांसद आलोक जी हैं। सर, आप जो इस जनसभा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, दिल्ली में आज विशाल जनसभा की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने किराड़ी में हम लोगों का स्वागत किया और ये आप हमारा संदेश लेने आए। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और किराड़ी की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो इतिहास पुरुष दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको कि हम मैं क्या धीरे धीरे सब लोग कहने भी लगे हैं कि ये 21वीं सदी के भागीरथ हैं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, विकास पुरुष हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। उनकी विचारधारा को हम लोग यहाँ दिल्ली में जन जन तक पहुँचाने के प्रयास में लगे हैं। उसी प्रयास के तहत ये आज की मीटिंग थी और इस मीटिंग को हम लोग उनकी उपलब्धियों को बताए, लोगों को जागरूक करने की बात की। 2024 में लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, बिहार में भी चुनाव आने वाले, क्या तैयारी रहेगी जनता दल यूनाइटेड की? जनता दल यूनाइटेड की तैयारी शुरू हो चुकी है, तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग 40 में 40 सीट हमारा महागठबंधन 5 राज्य चुनाव में जो भी है उसमें क्या भूमिका है जनता दल यूनाइटेड की? बिल्कुल, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे कैंडिडेट भी कुछ खड़े किए गए हैं, जहां हम लोगों की पार्टी की कुछ व्यवस्था है, सब जगह तो नहीं, जहां व्यवस्था वहाँ खड़े किए गए हैं और प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं कि वहां जो अपना इंडिया का पार्ट है, इंडिया की जो पार्टियां हैं उसमें सबको सफलता मिले और वहां से भी भाजपा का जो शासन है इसका सफाया हो जाता है।